दोस्तों, क्या आप एक पीएफ मेंबर हैं और आप चाहते हैं कि अपने पीएफ के अमाउंट में से कुछ पैसा निकालना? दोस्तों, तो आप अगर काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में या फिर छोड़ दिए हैं, दोनों केसेस में आप अगर आप चाह रहे हैं कि अपने पीएफ से कुछ परसेंट पैसा निकालना, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट एक ऐसा प्रोसेस बताएंगे जिससे आपको बिना पासवर्ड के आप जो है घर बैठे अपने इसी मोबाइल फोन से अपने पीएफ के पैसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है दोस्तों। चलिए हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं और एक पीएफ क्लेम अप्लाई करके दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहां पर सर्च वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल से लिख देना है उमंग। जी हाँ दोस्तों, आप उमंग लिखेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी उमंग की। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की सर्टिफाइड एप्लीकेशन है, किसी प्रकार की फेक एप्लीकेशन नहीं है। अब आप इसको ओपन करेंगे या फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। मेरे में यहाँ पर पहले से इंस्टॉल है लेकिन यहाँ पर ये अपडेट दिखा रहा है, तो चलिए हम इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो अपडेट कर लेने के बाद आपको सिंपल से इसको ओपन करना होगा। तो चलिए, मेरा यहाँ पर 100% अपडेट हो चुका है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन करेंगे। चलिए हम यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही अब यहाँ पर हम ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो जैसे चलिए हम यहाँ पर ओपन कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए हमारा ये डायरेक्ट होम पेज पर खुलेगा। अगर आपको जो पहली बार दोस्तों इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, तो आपको अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन कर लेने के बाद एक 4 अंकों का पिन बनाना होता है। मेरा यहाँ पर ये पहले से लॉगिन है, तो इसका इंटरफेस कुछ इसी प्रकार से आएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर्विसेज का, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद इस सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हाल ही में हमने पीएफ का जो है यहाँ पर वेबसाइट का सर्च किया है, तो यहाँ पर रिसेंटली यूज सर्विस पर दिखा रहा है लेकिन आप में नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल से यहाँ पर एक सर्च का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सर्च का, तो इसी पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे EPF, ऐसा लिखेंगे और सर्च कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐसा लिखने के बाद सर्च करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की ये ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर इसकी फैसिलिटीज पर पहुँच जाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज इसमें मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर पासबुक को देखना, तो मेरा जो है दोस्तों वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप अपने पासबुक से पैसा कितना निकालेंगे पीएफ से, तो आपको यहाँ पर राइस क्लेम पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर राइस क्लेम पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर यूएन नंबर फिल करने का एक ऑप्शन आएगा, जो आपका 12 अंकों का यूएन नंबर होता है। अगर आपके पास ये यूएन नंबर नहीं है, तो दोस्तों हमारे जो है ये वीडियो बना दिया है कि कैसे आप अपना यूएन नंबर पता करते हैं। आप हमारा उस वीडियो को देख करके अपना नया नंबर जो है निकाल सकते हैं यूएन नंबर। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपना 12 अंकों का यूएन नंबर लिख दिया है। अब यहाँ से करेंगे सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो आपके पीएफ में जो मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक 1 टाइम ओटीपी भेजा जाएगा, जैसा कि हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जा चुका है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर उस ओटीपी को फिल कर लेते हैं। तो हमने उस ओटीपी को फिल कर लिया है, अब यहाँ पर कर देंगे सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो है कुछ ये सर्विस कभी कभी काम नहीं करती है, मेंटेनेंस में रहती है, तो कुछ इस प्रकार का एरर आता है, लेकिन दोस्तों ये बराबर काम करने वाली है। दोबारा से करेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर क्लेम पेज पर आ गया सबमिट करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपके जो है पीएफ अकाउंट में पहले से केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट रहेगा, तभी दोस्तों आप इस उमंग ऐप से अपना जो है पैसा पीएफ का निकाल सकते हैं। तो हमारा इसमें जो है पहले से बैंक केवाईसी कंप्लीट है, तो अब यहां पर हम अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करेंगे। तो आप भी अपना यहां पर बैंक अकाउंट नंबर को फिल कर लेना, एकदम सिंपल से। चलिए, हमने बैंक अकाउंट नंबर को फिल कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपकी यहां पर कंपनी शो होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट मेंबर आईडी। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपके और अदर कंपनियाँ होंगी तो यहाँ पर कई मेंबर आईडी शो होगी, अगर एक ही होगी तो यहाँ पर एक ही शो हो रहा है। तो चलिए, इसको यहीं पर रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होता है, अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप अपना आधार कार्ड उठाएंगे और वहाँ से अपना जो है एड्रेस को फिल कर लेंगे। मायने नहीं है कि आप कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन आप दोस्तों अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही अपना एड्रेस को फिल करना होगा। तो चलिए, हम यहाँ पर अपना एड्रेस को फिल कर लेता हूँ कुछ इस
प्रकार से कंप्लीट एड्रेस फिल कर लिया है आपका, डिस्ट्रिक्ट, जिला, पिन कोड, स्टेट सबको सिलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब दोस्तों अब आप पहुंचेंगे इस क्लेम फार्म पर। यहां पर दोस्तों अब आपको दिखाया गया है कि इस सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे क्लेम टाइप, आपका किस प्रकार का क्लेम टाइप रहेगा। तो हमारा फॉर्म 31 रहेगा, यानी कि फॉर्म 31 दोस्तों एक एडवांस क्लेम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि आप यहाँ पर प्रपोज विच एडवांस रिक्वायर्ड, आप किस पर्पज के लिए इस पैसा को निकाल रहे हैं। तो जैसे कि आपको छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई है, आपको पैसा की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप इनलेस वाले पारा पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनलेस वाले पारा को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अमाउंट लिखना होगा, तो आप यहाँ पर कितना अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, तो चलिए उसी हिसाब से हम यहाँ पर आपका जो अमाउंट होगा आप अपने पहले पासबुक में देख लेंगे, उसके बाद अपना अमाउंट जो है सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना जो है अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर दोस्तों बताया है कि मिनिमम आप 1,000 रुपए तक निकाल सकते हैं और मैक्सिमम आपका जितना अमाउंट होगा उसका 75% आप निकाल सकते हैं मूलधन का। तो यहां पर चलिए हम जो है कुछ अमाउंट फिल कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपना 9,000 रुपये का एक अमाउंट फिल किया है। अब दोस्तों अब आप आएंगे यहाँ पर अपलोड चेक एंड पासबुक, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको या फिर चेकबुक या फिर पासबुक का प्रति अपलोड करना होगा, उसकी साइज होनी चाहिए 500 KB के अंदर, 500 KB के ऊपर का एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आप अगर पहले से फ़ोटो खींच लिए हैं उसका रिसाइज कर लिए हैं तो डायरेक्ट वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो दोस्तों आप कैमरा से क्लिक करके उठा लेंगे। चलिए हम यहाँ पर चूज फॉर गैलरी पर क्लिक करते हैं। अब आपका यहाँ पर जहाँ कहीं भी पासबुक होगा उस पासबुक को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से हमने अपने बैंक पासबुक को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप करके इसको एडजस्ट कर देंगे, ऊपर आपको यहाँ पर क्रॉप का एक बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, आपकी पासबुक का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। अब आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक मार्क कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा गेट आधार OTP, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वन टाइम OTP जाएगा, तो यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन पर OTP आ चुका है। तो आप दोस्तों अपना OTP को यहाँ पर से निकालेंगे और इस कॉलम में फिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना OTP को फिल कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहां पर अपना OTP को फिल करेंगी उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा, यहां पर हमने कर दिया सबमिट। तो जैसे आप यहां पर सबमिट करेंगे तो आपका क्लेम सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो यहां पर आप कुछ सेकंड वेट कर लेंगे क्योंकि ये टेक्निकल इशू से आपका कुछ समय लग सकता है या फिर ट्राई अगेन भी बोल सकता है। तो यहां पर हम कुछ सेकंड वेट करेंगे, लाइव दोस्तों यहां पर वीडियो चल रहा है, किसी भी प्रकार का आपने स्किप नहीं किया। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये हो गया सक्सेस, कुछ सेकंड वेट करेगा आपका यहां पर एक नंबर दिखा देगा, यहाँ पर क्लेम जो है ट्रैक नंबर दिखा दिया है, आपको ये क्लेम आईडी मिल चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको ओके कर देंगे। अब आप पेज से बाहर आ जाएंगे, अब आपका यहाँ पर क्लेम हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्टेटस देखना तो दोस्तों आप यहाँ से इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे वापस तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रैक क्लेम, तो इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो क्योंकि अभी ही आपने जो है इस क्लेम को सबमिट किया है तो आपका स्टेटस यहाँ पर दिख रहा होगा ऑनलाइन क्लेम सबमिट एट पोर्टल। तो दोस्तों ये आपकी आज की डेट दिखा देगा और नीचे बहुत सारे जो क्लेम दिख रहे हैं वो आपके पहले के क्लेम होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने आसानी से अपने इसी मोबाइल फ़ोन से दोस्तों अपने PF का पैसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।